केप टाउन में भारत और वेस्ट इंडीज वुमेन टीम के बीच महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा, इस मुकाबले को आप किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे और क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर सेमीफाइनल की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुकाबले को जीतते ही टीम इंडिया पॉइंट टेबल में एक बार फिर अपने आप को अपने ग्रुप में और भी मजबूत स्थिति में लेकर चली जाएगी। हम फिलहाल बात करें टीम इंडिया की ग्रुप की पॉइंट टेबल की, यानी कि ग्रुप बी की पॉइंट टेबल की, तो नंबर वन पर फिलहाल इंग्लैंड की टीम है, जिन्होंने अब तक 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं, उनके 4 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट भी +2.497 है। लेकिन दूसरे नंबर पर टीम इंडिया है, जिन्होंने 1 में से 1 ही मुकाबला जीता है, भारत के 2 पॉइंट है, नेट रन रेट +0.497 है, यानी कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ को बड़े अंतर से हराती है तो नंबर वन के आसपास भी पहुँच सकती हैं। वहीं पर वेस्ट इंडीज़ के लिए इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी अब तक 1 मुकाबला खेला है और 1 ही मुकाबला हारा है, वो भी बड़े अंतर से हारा है, जिसके चलते सबसे आखिरी यानी कि 5वें पायदान पर मौजूद है वेस्ट इंडीज़ की टीम, जिनके फिलहाल माइनस नेट रन रेट 2.707 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इन्हें बड़े अंतर से टीम इंडिया को हराना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए स्मृति मंदाना और उनके साथ शेफाली वर्मा नज़र आएगी। भारतीय टीम की तरफ से वापसी करती हुई नज़र आएगी इस मुकाबले में स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को उंगली में चोट लगी थी, लेकिन अब वो फिट है और इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से कमाल करती हुई नजर आएगी। तो वहीं पर नंबर 3 पर जमाइमा रॉड्रिक्स उतरेगी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की जीत की नींव रखी थी और शानदार जीत भी दिलाई थी। तो यहाँ पर जमाइमा रॉड्रिक्स से एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमें कप्तान हरमनप्रीत कौर खेलती हुई नजर आएगी। हरमनप्रीत से भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद टीम इंडिया को होगी। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने 16 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन इस मुकाबले में और बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। तो वहीं पर नंबर 5 पर ऋचा घोष उतरने वाली हैं। ऋचा घोष की हिटिंग भारतीय टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर यस्तिका भाटिया उतरेगी, तो वहीं पर नंबर 7 पर दीप्ति शर्मा उतरेगी, जबकि नंबर 8 पर राधा यादव उतरने वाली हैं, तो नंबर 9 पर पूजा वस्त्रकर उतरेगी, नंबर 10 पर राजेश्वरी गायकवाड़ उतरेगी, तो नंबर 11 पर रेणुका सिंह ठाकुर उतरने वाली हैं। यानी कि दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बदलाव होने जा रहा है। अर्लिन देओल की जगह पर टीम में वापसी करेगी स्मृति मंदाना, यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देखी जाए तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन पारी कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।